हेलो एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक थर्म एंड ब्लॉक फंक्शन पे हम सभी जानते हैं कि यदि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन किसी कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करता है तो इसके मोशन को हम एक प्लेन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को हम प्लेन वेव फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं लेकिन क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट पोटेंशियल में नहीं बल्कि वेरिंग पोटेंशियल में मूव करता है तो इसके मोशन को केवल और केवल वेव प्लेन वेव के फॉर्म में नहीं लिख सकते ब्लॉक ने ही सबसे पहले बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा होता है तो इसके वेव फंक्शन को प्लेन वेव फंक्शन ई आई के एक्स और पीरियोडिक फंक्शन यू के ऑफ एक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं चलिए अब हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं ब्लॉक थ्रॉम स्टेट्स दैट The wave function of an electron in a periodic potential inside a crystal can be expressed as a product of a plane wave and a function uk of r, which has the same periodicity as the crystal. So, Psi k of r is equal to eikr ukr, where ukr is the periodic potential represented by ukr is equal to uk. एट आर प्लस ए सो यू के आर इज पीरियोडिक फंक्शन वेर एज इक्वेशन वन इज नोन एज ब्लॉक थोरम यू के आर इज पीरियोडिक फंक्शन इसका मतलब ये है कि यू के की वैल्यू आर पे और आर प्लस ए पे इक्वल होती है चलिए अब बात करते हैं ब्लॉक फंक्शंस की द वे फंक्शन डिफाइंड बाई इक्वेशन वन आर कॉल्ड ब्लॉक फंक्शन और ब्लॉक स्टेट्स एंड रिप्रेजेंट दॉल्यूशन ऑफ सॉड इंजर इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल सो साई के आर इक्वल्स ई आई के आर मल्टीप्लाइड बाई यू के आर इस इक्वेशन में जो पहली टर्म है यानी एक्सपोनशियल का जो फैक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन वेब को और जो दूसरा फैक्टर है यू के आर ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड उतना ही है जितना लैटिस कांस्टेंट है मींस इट हैज द सेम पीरियोडिसिटी एज द क्रिस्टल चलिए इसे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ब्लॉक फंक्शन का सेप कैसा होता है इन्हें पीरियोडिक पोटेंशियल मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रोस्टेटिक एट्रैक्शन जो आयंस का है वो है वी एक्स वी एक्स को रिप्रेजेंट किया है वी एक्स इजिकल टू वी एक्स प्लस ए से वहर ए इज द लेटेस्ट कॉन्स्टेंट हेर ए इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द पोटेंशियल इस डायग्राम के अंदर जो सॉलिड डॉट्स हैं वो पॉजिटिव आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है उ, 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 उस, उनके शेप को भी यहाँ पर दिखाया गया है ऐसे क्रिस्टल के अंदर यदि कोई इलेक्ट्रॉन मूव है तो उसके लिए सॉर्डेंजर की इक्वेशन क्या होगी उसकी फॉर्म होगी ये इस इक्वेशन में E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड m इज इट्स मास Vx एक्स इज पीरियोडिक पोटेंशियल इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट x एंड x प्लस ए इज सेम ब्लॉक ने ये शो किया कि वन डायमेंशनल सॉल्यूशन ऑफ द सॉन्जर इक्वेशन

यू के आर इज इक्वल टू यू के आर प्लस ए ए इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्लेटिस अब इस इक्वेशन में जो ई आई के आर वाला फैक्टर है ये एक प्लेन वेब को रिप्रेजेंट कर रहा है और पीरियोडिक फंक्शन वाली इक्वेशन में ये जो राइट साइड में है ये पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यू के आर इज इक्वल टू यू के आर प्लस ए को और यू के आर जो डिपेंड कर रहा है वे वेक्टर के पे डिपेंड कर रहा है बिकॉज के इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एच क्रॉस के यानी के मोमेंटम को भी एक तरह से रिप्रेजेंट करता है अब अगर हम ब्लॉक फंक्शन के रियल पार्ट की बात करें तो उसका सेप कुछ इस तरह का होता है यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सपोनेंशियल आई के आर को और जो लाइट सर्किल्स हैं वो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग